जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, स्टार प्रचारक और मंत्रियों के दौरे होना शुरू हो चुके हैं। इसी तारतम्य में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अशोकनगर और ईसागढ़ के दौरे पर ईसागढ़ पार्टी की मीटिंग लेने पहुंचे, जहां बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी जगन्नाथ सिंह रघुवंशी जैसे ही हेलीपैड पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे तो नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत ही उनका गुलदस्ता नीचे फेंक दिया। गुलदस्ता फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जब इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताया, जबकि वीडियो में नरोत्तम मिश्रा बूके फेंकते हुए साफ दिख रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं नरोत्तम जी, आराम से धक्का नहीं लगे, जिनका हो गया दूर हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरे सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वीडियो है वायरल, मैंने नहीं देखा। बाकी कल माननीय गृह मंत्री जी का नव मदद सम्मेलन में आना हुआ था और उन्होंने ये बताया भी था कि आदरणीय जगन्नाथ सिंह जी और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी बहुत पुराने साथी हैं। मेघराज जैन साहब जो हमारे बहुत ही पुराने संगठन के व्यक्ति थे, उनके साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने कहा कि अगर आप जगन्नाथ सिंह जी को वोट देते हो तो विधायक के साथ मंत्री फ्री, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी चंदेरी की मेरी रहेगी, विधायक आपके भले ही जगन्नाथ सिंह जी। तो पूरी ताकत से पूरे समर्थन से उन्होंने जगन्नाथ सिंह जी का फेवर किया। नहीं, फेवर तो किया है, मगर आम जन के बीच में इस तरह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुके वुके नहीं। एक्चुअली क्या है कि एक शिष्टाचार की परंपरा होती है, हम किसी को माला पहनाते हैं तो उसका भाव होता है माला पहनाने का, और तो जिसको सम्मान देते हैं वो माला पहनता है, वो पहनने के बाद तुरंत वो अपने उतार के सामने टेबल पे कुर्सी रख लेते हैं, मगर उनके द्वारा फेंका गया है तो रख लेते हैं अपन। तो रखने के बाद अब ये कहें कि आपने माला उतार दी, उनका माला स्वीकार नहीं किया, ऐसा नहीं है। जिस भाव से सम्मान से आदरणीय जगन्नाथ सिंह ने उनके बुके दिया होगा उस भाव से उन्हें ग्रहण किया, तो ये शिष्टाचार वही है। नहीं, ग्रहण करने तक ठीक है, मगर इसके बाद फेंकना शोभनीय नहीं, फेंकने का विषय नहीं है, उसको कहाँ देना, किसी लोग जो बड़े नेता होते हैं उनके सहयोगी होते हैं उनको दिया, ये सब चीज है। और इतना संज्ञेय नहीं है जिसको इतना ले। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।